अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आयरा, व्लॉग बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने कहा चलो चलो अपलोड कर देती हूँ, बता देती हूँ कि मैं अब व्लॉगिंग छोड़ चुकी हूँ, मैं व्लॉग्स नहीं बना रही और मैं पाकिस्तान आई भी हूँ। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं पाकिस्तान में हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग दुबई में छोड़ दी थी। तब मैं दुबई में थी, मतलब रसल खेमा में, यूएई में। और उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई थी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो तब से मैं पाकिस्तान में हूँ। और ये रही आयरा, एजल बाहर गई हुई है मेरी भाभी के साथ और वह अभी आने वाली होगी। तो मैंने कहा व्लॉग एक अपलोड कर देती हूँ, बता देती हूँ। कुछ रीज़न इतना कोई ख़ास नहीं है, बट अपनी मर्ज़ी से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। हस्बैंड ने बोला था व्लॉग्स बनाओ व्लॉग्स बनाओ, तो माइंड डाइवर्ट रहेगा। व्लॉग्स मैं बनाती रही, अच्छा चलता रहा। फिर मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी और मैंने कहा बहुत मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, स्टार्ट में नहीं बट अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप बता देती हूँ। तो आयरा भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है इन 2 मंथ्स में। मेरा गला ख़राब है। और क्या अपडेट, मैं साथ साथ देती रहूँगी आज का व्लॉग आप लोगों के नाम, ठीक है? तो बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये एजल भी आ गई है और मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखे हाँ, ये माशाल्लाह सारी बातें सीख गई है अब, लाइक सारी बातें करती है अब। और अब मैंने इसको इस्लामिक बातें सिखाना स्टार्ट कर दिया है ताकि इसको पता हो। और अब इसको ये भी पता चल गया है कि हमें किसने पैदा किया है सारा कुछ। और ये छोटी सी है बट इसको इतना बातों का पता है कि बड़ी बड़ी लगती है। बट ये अभी 3 भी नहीं हुई, मई में इंशाल्लाह ये 3 की हो जाएगी। सो ये इस टाइम बाहर आ जाती है मेरे अबू का वेट करने के लिए। एजल नो, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, बादल है और बारिश हो रही है हल्की हल्की। और मेरा गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब है। आयरा का ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है। एजल नो नो एजल, ये पत्थर उठाती है फिर मुझे पीछे से मारती है और मैं भागती हूँ। और ये इसको अच्छा लगता है, डराती है मुझे। बट फिलहाल मेरे में कोई स्टेमिना नहीं है भागने का। तो यही मेरी लाइफ अपडेट है आजकल की। वापस मैंने ईद के बाद जाना है। सो ये देखिए मौसम, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जब लास्ट क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था वो 3 दिन पुराना था। और ये अब मैं बाहर जाती हूँ। तो ये सारा धुआं धुआं जो नज़र आ रहा है ये ठंड की वजह से। ये देखिए 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है पाकिस्तान में और इतनी ठंड लग रही है कि क्या बताऊं। और मैंने कहा चलो ये क्लिप भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। और गला मेरा कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया अब। और ये गोदी में मेरे आयरा है और इसने अभी चॉकलेट खाई है, तो ये इसके मुँह का हाल है, बल्कि बिस्किट खाई है। और इसको बाहर जाना है, शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक सोई भी है। 4 बजे वो सोती है, 6:30 उठती है और ये तो सोती नहीं है। तो चलिए अंदर जाते हैं। सो यहाँ पे दोनों खेल रही है, मैं ज़रा टीवी का वॉल्यूम स्लो कर लूँ, मैं ब्लॉगिंग ही भूल गई हूँ।
और मैं सारा दिन हीटर के सामने ही बैठी होती हूँ, एक ही काम है मेरा। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना मना करते हैं कि इसके सामने ज़्यादा ना बैठो, ज़्यादा ना बैठो, बट मैं रूम में भी इसके सामने बैठी होती हूँ और लाउंज में भी। और हम बस ये ईरानियन ब्लॉगर्स हैं, इनके ब्लॉग्स देखते रहते हैं। मैं ये ठीक कर लूँ, ये है, मैं दिखाती हूँ। ये मैं करीब से दिखाती हूँ, ये काफ़ी ब्लॉगर्स हैं। ये वाला चैनल है, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, ये हम देखते रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। बस यही रूटीन मेरी चल रही है आजकल, और कुछ ख़ास होता नहीं है। कुकिंग भी नहीं कर रही आजकल मैं, कुछ भी नहीं होता, बस बैठी होती हूँ उनके साथ। ये जलायरा बाहर आती है तो मैं दिखाती हूँ, फिलहाल भाई के साथ अंदर खेल रही है। ये आयरा है, ये दोनों बहनें खेल रही है। ये रही ये ब्यूटी है। और टाइम है दिखाती हूँ, 7:30 हो रहे हैं। इनकी कभी कभार हाइट सेम हो जाती है। एजल माशाल्लाह लाइक खाने पीने में अच्छी है आयरा से, तो फिर इसकी हाइट फिर बढ़ जाती है आयरा से। बहुत मज़े का खेल किया दोनों। बस टाइम 7:30 हो रहा है, 8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, 9 बजे गैस चले जाता है, 9 बजे हम रूम में चले जाते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है। रूम का होलिया मैं दिखा देती हूँ क्योंकि हम ये दोनों अभी सो के उठे हैं। ये हम नीचे सोते हैं यहाँ पे, तो ये फीडर मैं उठा लेती हूँ, इसको धो लेते हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई है 2-3 दिन के लिए, सुबह चले खाना खाते आपसे मैं मिलती हूँ। रोज़ ही मैं कहती हूँ खाना खाते ही मिलते हैं, बट आज मैं दिखाती हूँ खाने में क्या बना है, ठीक है? तो खाना खाते आपसे मिलती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़। सो खाना पीना मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि इनके साथ खाना पीना दिखाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि दस्तरखान बिछते ही ये दोनों पागल हो जाती है। और चलिए मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ, इंशाल्लाह अगर बना सकी तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, इज़ल अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आयरा अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, बाय बाय, इज़ल बाय, बाय, टाटा, बाबा। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी और मैं रमज़ान की प्रेपरेशंस करूँगी, समोसे वगैरह बनाऊँगी, तो वो व्लॉग मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, वो होगा नेक्स्ट व्लॉग। तो ये अपलोड करती हूँ मैं, बिस्मिल्लाह, तो वो अपलोड करती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि आज कल मेरा व्लॉग्स बनाने को बहुत दिल कर रहा है। तो जब तक बना सकती हूँ बनाऊँगी, फिर वो होगा मेरा लास्ट व्लॉग, ठीक है? आराम से इज़ल, तो अल्लाह हाफिज़। ये इसने लिपस्टिक लगाई है, कल लगाई थी और वो जाए नहीं रही, मैंने भी इधर ट्राई करने के लिए लगाई थी, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, इसको कल शॉप में शॉपकीपर ने गिफ्ट की थी, कलर भी बहुत अच्छा है। तो चले, कल किसी ने गिफ्ट की थी। ओह माशाल्लाह, इसकी पिकिंग पावर बहुत तेज़ है, 1 सेकंड में बात पिक कर ली थी और इसने सारे मेरे ख़ानदान के नाम सीख लिए। तो चले हाफिज़।